हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कोरोना वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे ऑनलाइन करें। देखिए, सबसे पहले आपको जो है क्रोम अपना ओपन कर लेना है। क्रोम ओपन करने के बाद उसमें सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम सर्च मार लेना है। उसके बाद सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम सर्च मारने के बाद गूगल पे कुछ इस तरह का पेज ओपन होता है। उसके बाद यहाँ से सरकारी रिजल्ट पर क्लिक करना है आपको। देन सरकारी रिजल्ट पर क्लिक करने के बाद देखिए सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम की पेज वेबसाइट ओपन हो गई है। उसके बाद आप स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाना है। इसमें उसके बाद देखिए आएगा इम्पॉर्टेंट। देखिए इसमें आएगा इम्पॉर्टेंट। देखिए इसमें लिखा है कोरोना वैक्सीन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। इसके बाद देखिए इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देन इस तरह से पेज ओपन होगा। उसके बाद स्लाइड करते हुए आपको नीचे की तरफ जाना है। नीचे की तरफ जाएंगे आप, उसके बाद देखेंगे यहाँ सम यूजफुल इम्पॉर्टेंट लिंक लिखा होगा। उसके नीचे एक लिंक होगी, उस पर लिखा है फॉर वैक्सीन रजिस्ट्रेशन। उसके सामने क्लिक हेयर का बटन होगा, उस पर आप क्लिक करना है। देखिए कुछ इस तरह से जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज ओपन होगा। उसके बाद देखिए रजिस्टर आर साइनिंग फॉर वैक्सीनेशन एंड OTP विल बी सेंड योर मोबाइल नंबर। देखिए यहाँ पर वो मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है जिस मोबाइल नंबर से आप फॉर्म रजिस्टर करना चाहते हैं। तो आपका जो भी है अपना मोबाइल नंबर आपको एंटर कर देना। जैसे मैं अपना मोबाइल नंबर एंटर करता हूँ, आपको OTP जाएगा उसी मोबाइल नंबर पे। फिर उस OTP को लेके यहाँ इंटर कर देना है। देखिए अभी OTP तो नहीं है हमारे फ़ोन में, भी देखो नेटवर्क स्लो की वजह से, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से लेट हुआ, आ गई OTP हमारी। देखते हैं OTP क्या है। उसके बाद OTP वहाँ इंटर कर देंगे। देखिए फिर उसके बाद जो OTP आई है अभी हमारे फ़ोन में, अब हम उसको यहाँ इंटर कर देते हैं। देखिए OTP इंटर करने के बाद आपको यहाँ OTP इंटर कर देना है। जो भी OTP आप चाहिए इंटर करने के बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जब वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आप तो देखिए कुछ इस तरह सा पेज ओपन होगा। यहाँ पर लिखा होगा वेलकम, उसके बाद उसके नीचे लिखा होगा यू कैन रजिस्टर्ड 4 मेंबर विथ 1 मोबाइल नंबर। इसका मतलब है एक मोबाइल नंबर से अब 4 लोगों का फॉर्म रजिस्टर कर सकते हैं फॉर COVID-19 वैक्सीनेशन के लिए। उसके बाद देखिए रजिस्टर मेंबर पे क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे आप कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। इसमें देखिए सारा आपका डॉक्यूमेंट जो है फिल करना पड़ेगा। फोटो ID प्रूफ में आपको जब यहाँ क्लिक करेंगे आप, इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपका हो इस डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पर लगा देना है। जैसे आधार कार्ड वगैरह, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन बुक, इसमें से कोई एक आपको लगा देना है जो भी आपके पास है। आधार कार्ड जैसे मान लेते हैं सबके पास रहता है, इसको लगा देते हैं यहाँ पर आधार कार्ड। फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ फिर आधार नंबर मांगा आपका, जो भी आधार नंबर है आधार नंबर आपको यहाँ इंटर कर देना है। इसके बाद आपका जो है कि आधार कार्ड नेम, जो आपका आधार कार्ड पे नेम है उस नेम को इंटर करना है। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है आप, जेंडर सेलेक्ट करेंगे आप। फिर जेंडर सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपका डालना पड़ेगा जो आधार कार्ड में है आपका। ईयर लिखना है सिर्फ, लास्ट का ईयर लिखने के बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। यहाँ जब रजिस्टर पे क्लिक करेंगे फ्रेंड, देखिए हम अभी जो हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, हम अपना सारा डॉक्यूमेंट नहीं फिल किए हैं। जब आप सारा यहाँ अपना फिल करके यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप का फॉर्म रजिस्टर हो जाएगा। और उसके बाद एक OTP आएगी आपको कंफर्मेशन के लिए, वो कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन और उसके बाद सीक्रेट कोड, आपका नाम सारा यहाँ शो करेगा। उसके बाद जहाँ किसी भी जगह आप ब्लॉक पे अपने या फिर कहीं जहाँ वैक्सीनेशन होता है COVID-19 का, वहाँ से आप लगवाना चाहते हैं वहाँ जाएंगे, अपना मोबाइल नंबर देंगे और वो सीक्रेट कोड देंगे, वहाँ से आपका वैक्सीनेशन हो जाएगा। थैंक यू।